ले भाई। आपका हथियार छोटा कैसे लग रहा है? क्या हुआ? अरे कृतिका ने बोला कि दिल बड़ा होना चाहिए, पर उन्होंने जनरली बोला वो भी बड़ा होना चाहिए। क्या? तो भाई अब आपका आ चुका है फेवरेट ड्रामा जिसका नाम है बिग बॉस OTT सीजन 3। और इसके अंदर जैसे सलमान खान को पता चला कि इस साल सब छपरियों को डाला जा रहा है बॉस के अंदर, तो सलमान ने रिजाइन कर दिया और सलमान खान की जगह आप लोग को पता है किसने ले ली? AK ने। AK को भी अब तक थोड़ा बहुत करियर अब ऊपर लेके जा रहा था, वैसे तो है बट थोड़ा और ऊपर लेके जा रहा था, तो AK ने सोचा क्यों ना मैं बिग बॉस इस साल होस्ट कर लेता हूँ। तो अभी बिग बॉस वही होस्ट कर रहा है OTT। बाकी जो दूसरा बिग बॉस आएगा वो सलमान खान ही होस्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर छपरियों का काम बिल्कुल भी नहीं है। जो बिग बॉस OTT है समझो ये एक वर्जन है सस्ते, ये एक सस्ते लोगों का बिग बॉस है OTT होता है, और उसके बाद जो महंगे बंदे होते हैं उनको बुलाया जाता है, फिर उनके साथ सलमान खान वार्तालाप करता है। आप लोग किस किस को जानते हो इस सारे बिग बॉस के अंदर जो जो गए हैं? ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं मैं पर्सनली किस किस को जानता हूँ। मैं सिर्फ जानता हूँ नेजी कटारिया, अरमान मलिक। अरमान मलिक को मैं इस वजह से जानता हूँ क्योंकि अरमान मलिक की दो दो बीवियां हैं, तो आप लोग को तो ये बात भी पता है कि अरमान मलिक किस वजह से फेमस है। वो इस वजह से फेमस है क्योंकि अरमान मलिक की दो दो बीवियां हैं, एक से ना मिले तो दूसरी के पास एक से खाना ना मिले तो दूसरी खाना दे दे, इस वजह से अरमान मलिक ने दो दो बीवियां रखी हुई है। एक पानी नहीं पिला सकती तो क्या हुआ, दूसरी तो निकल। समझ रहे हो ना? तो अरमान मलिक बस इसी वजह से फेमस है। और अरमान मलिक को मैं बस इतना ही जानता हूँ कि अरमान मलिक के दो तीन वीडियोस मैंने देखे थे आज से 1.5 साल पहले। नेजी को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ ब्रो, इस वजह से क्योंकि नेजी इंडस्ट्री में से है, आपको पता है रैपर है नेजी, तो इस वजह से मैं नेजी को सपोर्ट करना चाहता हूँ इस साल OTT के अंदर जो है। इसका एक रीजन और भी जो मीवे मंडाया को जानता है, वो डिवाइन का दोस्त है, मीवे मंडाया का दोस्त है, तो अदर आर्टिस्ट लोग का वो दोस्त है, तो इस वजह से मैं नेजी को सपोर्ट करना चाहता हूँ इस साल बिग बॉस OTT 3 के अंदर। आओ थोड़ी बहुत क्लिप्स भी देखते हैं, मजे भी लेते हैं और मजे आप लोग को भी देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हो गया, मेरे रैप में जो लिरिक्स होती है वो शायरी से बहुत सिमिलर होती है। Oh, so you use a lot of Urdu words? Yeah, मेरे रात दिन बीत कैसे, तुझको क्या पता, किसी को क्या पता, हाले दिल, मेरे दिल की दास्ता, तू क्या जानता, तुझको नहीं पता, जख्म कितने गहरे, ओहो, हम किस गली में रह रहे, ओहो, हम दर्द कब से सह रहे, हमारे हम दर्द कितने हैरे, चुप रह रहे ना किससे कह रहे, किससे गहरे है सब है बहरे, देते आज सिर्फ मसले का हल, सारा किसी के पास नहीं, कहते कुछ सही लेते सारे, उसको बड़ा समय नहीं बजाता मैं किसी के पास, सिर्फ रब के सामने सर झुकाता मैं, गिड़गिड़ा के फिर मांगो माफी। क्या बात, आला, बहुत आला माशाल्लाह। कोई तो बात है नेजी के अंदर, ठीक है, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कला अंजुम और जब नेजी की बीफ हुई थी आपस के अंदर, तो उस टाइम मेरे को नेजी का सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक तरह से समझो कला अंजुम के सॉन्ग के सामने वो बिल्कुल भी फारिग था वो सॉन्ग, क्योंकि कला अंजुम ने बहुत हटके डिस किया ब्रो, बहुत ऊपर तला अंजुम लेके गया अपने सॉन्ग्स को ब्रो, जब वर्स मारे तला अंजुम ने वो उस तरह के वर्स नेजी नहीं दे पाया था, तो इस वजह से मैं सपोर्ट कर रहा था तला अंजुम को। कि मैं कंट्री वगैरह मैं नहीं देखता क्योंकि जिसके अंदर टैलेंट है ब्रो मैं उसी को ही सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब कटारिया एनॉय करके पका दिया, चलो वाट यहाँ से। हनुमान जी की दो दो बीवियां बंद कर दे टीवियां, चलती खिड़कियां, चलती लड़कियां, खाना बना के देते हम लोग हर पल, बैल और भैंस के साथ चिल करते करते इंसानों के साथ करने लगी चिल, मेरी बहन शिवानी बहुत मेरा लूट लिए दिल, पायल जी है अनोखी, छुप छुप के मुझे चाय पिलाती और हमारा दिल जीत के जाती और फुल खतरनाक शॉट बजाती। क्या मेरे को जहां तक लग रहा है इस साल नेजी खेलेगा भाई इन लोग के साथ, अभी थोड़ा टाइम आ रहा है, तो कटारिया नेजी, देखो कटारिया दोस्त है एल्विश का और मुनव्वर दोस्त है नेजी का, तो ब्रो ये बिग बॉस वाले भी बड़े होशियार है, डेढ़ होशियार है, तो देख के चुन चुन के बंदे भेजते हैं। अब मेरे को लगता है कि कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है नेजी और कटारिया की आपस में थोड़ी भसड़ हो जाए, अब देख के आगे होता या नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा ब्रो, नेजी के साथ हूँ मैं। सेट बहुत अच्छा है, लोग भी नए हैं तो अच्छा, सेट देखने के लिए अंदर आए हैं क्या, किस घर में, कैसा फील कर रहे हैं? सर मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा नर्वस था, और फिर मेरे साथ कोई मेरा बड़ी होता है तो मेरे को लोगों की उतारने में और ज्यादा मजा आता, मतलब किसी को भी कुछ बोल दिया, मतलब उतारने में कभी कोई काम अकेले नहीं किया है क्या? नहीं सर अकेले किया है, बिल्कुल किया है, बट बड़ी रहता है तो। और क्या काम किया अकेले? नहीं
कटारिया ऐसा नहीं, कटारिया को जोकर मत बनाओ ब्रो। जोकर सिर्फ एक ही था हमारा बाबू भैया, इसके अलावा और कोई जोकर नहीं है। बट हाँ, एक और वीडियो मैंने देखी थी इसके अंदर, मेरे को लग रहा है एक न्यू जोकर अनलॉक हुआ है, तो उसकी वीडियो भी वॉच करते। पर मैं इसके ऊपर बात कर दूं कि कटारिया अभी नया नया बिग बॉस के अंदर गया, तो कटारिया को इतना, वैसे सब भी पहली बार ही जाते हैं, पर कटारिया वो जो लोग दूसरे बोलते हैं कि सेट अच्छा ये वगैरह फलाना ढमकाना, तो कटारिया वही बात कर रहा है। पर ये बहुत अच्छा फोन है ओप्पो, माय गॉड। मेरे को क्या लग रहा है भाई, इस साल तो बिग बॉस वालों ने मोबाइल सीधा पकड़ा दिए, तो इस साल कुछ डिफरेंट तो देखो ये लोग कर रहे हैं। पर और जहां तक मैंने वीडियोस देखे या मेरे को जितना समझ में आया, तो मेरे को ये लग रहा है कि वो बाहर वालों के साथ कनेक्ट होंगे और वो टास्क देंगे मोबाइल में कि इसके साथ आप ये करो, उसके साथ आप वो करो। टास्क देना अच्छी बात है, पर ये मत बोलना कि किसी उसके साथ जाके सोच। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ऐसे यार कहते मत कर देना ब्रो। ओह माय गॉड, बाबा जी आपकी बेटी इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई, वो भी पहली कंटेस्टेंट हूँ मैं। ओह माय गॉड, नहीं नहीं इसके अभी मत लेना, इसके अभी मत लेना, अभी इसको थोड़ा टाइम रुकने दो, अभी इसको समझ में आने दो क्या होने वाला है आगे। ये मेरे को ये बताओ, अपनी तारीफ खुद के मुंह से करना आप लोग को कैसा लगेगा? मैं बहुत अमीर हो चुकी हूँ। अगर तू अमीर ही हो गई है तो फिर बिग बॉस हाउस के अंदर क्या करने का, या पैसा कमाने नहीं गई वहाँ पे भी तो पैसा कमाने ही गई है, या फिर सबको पैसा बांटने गई है, कमाने गई है ना, तो इसका मतलब तू अभी अमीर नहीं होगी। पैसा कमाने गई है तो तू अभी भी गरीब है। हमको डिसाइड करना है कि किस रूल्स पे बांटा जा रहा है खाना भाई। हाँ। ऐसे रूल्स पे बांटा जा रहा है कि जो वेज वाले चिल्ला खाएंगे और जो वो वाले हैं नॉन वेज। थोड़ा ढंग से खड़ा हो ना ऐसे, यहाँ पे पैरी तो रखा भाई तुम्हें कुछ भाई ना। अरे कुछ ना कर रहा भाई, मैं कुछ नहीं होनी चाहिए तुम, ठीक है सॉरी। बात कर रहा है तू, बैठ मैं तेरे को दिखाता हूँ। बैठ गा, अब मैं ऐसे तेरे साथ खड़ा होके बात करूँ तेरे को कैसा लगेगा? कर लो, सही लिखा हुआ दियो जो करा लो। अभी ये क्या सीन है, वो खड़ा होके बात कर रहे, लेट के बात करे, बैठ के बात करे, इसको लग रहा है कि वो उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है कटारिया। तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती जो इसने हरकत करी अभी। मेरे को लग रहा है ये अभी शराब की लत छोड़ने के लिए गया बिग बॉस हाउस के अंदर। मुझे तो पासवर्ड पता है इसका यार। हाँ तो उसमें क्या हो गया, मेरे को भी तो मालूम है। मेरे को इसका पता है और मेरे को इसका मालूम है। हाँ इसमें प्राइवेसी पासवर्ड है भाई, ये अपने को अंदर से मिलेगा, फिर मैं कॉल करूँगा सबको। सबको पास मोबाइल मिले सब, मतलब किसी और को बताना नहीं है, क्योंकि वो भी मोबाइल उठा के देख सकते हैं कि किस बंदे को क्या टास्क मिला है और किसके ऊपर टास्क मिला है, तो इस वजह से पासवर्ड नहीं बता सकते। तुम्हारा दोस्त है एमवे जी भी, मैं आने से पहले उसके साथ चिल ही कर रहा था। ओके तो हम लोग बहुत पहले से मतलब पहचानते एक दूसरे को। ओके बट डू यू बिलोंग टू एनी ट्रूप? ट्रू भाई। ये जो क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही गलत क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, दूसरे आर्टिस्ट के जो बाहर है, और अगर नेजी उसका थोड़ा सा कुछ अलग करके बात बोल दे था, तो एडिटर अपना काम दिखाने के बाद इंस्टा पे अपलोड कर देते, तो फिर एमवे बंटाए देख लेता, तो इन लोगों की आपस में बीफ हो सकती थी। इस तरह के क्वेश्चन ये लोग जानबूझ के पूछते हैं ताकि ये उसके बारे में जाने बताएं, और उसको और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ये रिवील करे, और फिर लोग की भसड़ स्टार्ट हो, बीफ चले। वैसे भी मजा आ रहा था ब्रो तलहन जिमनेजे की बीफ के अंदर। देखो इंजॉय तो सब करते हैं, ठीक है, बीफ के अंदर, पर मैं भी इंजॉय कर रहा था, पर मैं किसी को हेट नहीं दे रहा था। जो आप लोग देते हो दूसरों को, तो हेट मत दिया करो, आप लोग अपना ओपिनियन रखा करो कि किसका सॉन्ग अच्छा है, किसका सॉन्ग बुरा है, और किसने क्या बात बोली, बस उससे जज किया करो। हेट मत दिया करो किसी दूसरे आर्टिस्ट को जाके कि फलाना ढिमकाना, नहीं हेट बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सॉन्ग सुनो मजे लो। भाई आपका हथियार छोटा कैसे लग रहा है? तो सीरियसली ये बिग बॉस हाउस है या फिर ये दूसरा हाउस है, है? बिग बॉस हाउस के अंदर पब्लिक के सामने, अवाम के सामने ये पूछा जा रहा है कि आपका हथियार, वो हथियार छोटा नहीं रहता, वो हथियार बड़ा भी हो सकता है। नाइस। बस इसको उठाने की देर है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अभी देखो फायदा देखो।
पहले ही बताया था दो बीवियों के फायदे, एक ना दे तो दूसरा दे सकती है खाना, ठीक है, और एक पानी ना पिला सके तो दूसरा उनका हम किसी को बोल दे रहे कि अपनी किसी बंदी को, किसी को भी बोल दे कि अपनी दोस्त से मिलवा दे ब्रो, हमारा वहीं पर ही कत्ल हो जाएगा। और ये इस लड़की की दोस्त थी जिससे अरमान मलिक ने दूसरी शादी की है, इसके वजह जा रहे इसके ब्लॉग आप आते आते ब्लॉग कर और अभी रो भी रहे हैं, बोलिए बोलिए बोले क्या बोले मेरा सपना पूरा हो गया, आपको हम टीवी पे देखते थे सर, मेरे खुशी के आंसू सब लोग देख रहे हैं। अब तो सब लोग देख रहे हैं, चुपचाप होके बैठ गया, चल क्या रही है, रो रही है, हंस रही है, क्या चल रहा है इसके, और ये है कौन मेरे को ये तो बताओ, मैंने इसको पहली बार देख रहा हूँ, ये है कौन, प्लीज आप लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना ये कौन है। नेजी अपना बंदा है तो नेजी को आप लोग भी नेजी को जाके सपोर्ट करो, ठीक है, और नेजी के बारे में गलत सोच रहे हो तो फिर आप लोग सोशल मीडिया जाओ, सोशल मीडिया पे जाके नेजी के बारे में हर चीज़ देख लो, फिर आप लोग भी शायद फिर सपोर्ट करो कि हाँ नेजी इतना बुरा बंदा नहीं है। बाकी जो डिस गेम चलता है ये हर आर्टिस्ट के साथ चल रहा है, इसको अपने दिल में लेके मत रहो, ना उसको हेट दो। बाकी मैं नेजी के साथ खड़ा हूँ और आप लोग भी नेजी को सपोर्ट करो। बाकी अभी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग को इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।